देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर इधर मेरी तरफ को। 220 में जान तो है यार अभी भी। भैया यार इतना ठंडा हो रहा है, हम पे पैदल नहीं घुमा जा रहा है, आप लोग बाइक में कैसे घूम रहे हो यार? जाती हुई धूप भाई, इतनी ठंड हो रखी है और ये जाती हुई धूप। तो यार देखो, मैं इंट्रो तो कर नहीं पाया, बट हम लोग ना डायरेक्ट यहाँ पर को क्या कर रहे हैं, ऑफ रोड करने हैं विद जिमनी। ठीक है, इंट्रो मैं भी थोड़ी देर में कर दूंगा, तो पहले मैं टेरेन तो दिखा दूँ। भाई ये देखो कितना भयंकर लग रहा है। ओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर इधर मेरी तरफ को मेरी तरफ को। हाँ भाई बहुत सही से चलेगा यार ये तो। बस यही वाला एक पैस था जो खतरनाक था भाई। देख लो यार, हम लोग जिमनी को कहाँ लेके चले गए हैं अब। ठीक है, अब मैं जल्दी से आगे आगे को चलता हूँ। आ जाओ आते रहो फिर। तो ये नॉर्मली है यार, चलो चलो चलो। तो भाई देख रहे हो ऑफ रोड कितना खतरनाक हो रहा है। हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग। और यार देखो, मैं इंट्रो भी नहीं कर पाया था और भाई बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है बताएं। इस चीज़ के लिए तो मारुति जिमनी भाई बेस्ट लग रही है यार। ओ भैंग देखो कहाँ पहुँचा दी हमने, हैं? हाँ पता है यहाँ पर को ना गाय भैंस आते होंगे, पर हमने जिमनी को डाल दिया। ये देखो ये था पूरा टेरेन। वैसे वो वाला पैस था भाई वहाँ पर को ना, थोड़ा टायर किनारे को गया था सबसे सब वाले में। ना ना इधर जो उसके बाद वाले बाद वाले में। हाँ। तो भाई देखो यार कितनी प्यार लग रही है ना, अभी धुलाई थी, अब हम यहाँ तो गए, बट आई डोंट नो क्या करेंगे। बहुत सारी रील बना दी है हमने। बेसिकली मैं रील ही बनाने के लिए आया था, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम नहीं है तो गाड़ी वगैरह का हो नहीं पा रहा था, और ओनर अभी गाड़ी चला रहे हैं। और यार ये वाली जो गाड़ी है ना, बेसिकली ये बेस मॉडल है, और मुझे पहले मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बेस मॉडल मतलब वर्थ नहीं रहता, बट इसको देख के लगा अरे आराम से। पर यार गाड़ी भी तो इसी चीज़ के लिए बनी है ना ये। ठीक है, हाँ यार मैं क्या कह रहा था, बेस मॉडल भाई सारी चीज़ें हैं, इवन हील होल्ड कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी हैं। और यार इन लोग ने क्या कर रखा है ना यहाँ पर को, वो भी लगा रखा है स्नॉर्कल है इसमें, बम्पर है, और ऊपर साइड पर को जो आप वो ग्रिल देख रहे हो। आ जाओ सही है इसका डिपार्चर एंगल और वो सारे सही है। ये देखो यार, तो यार देखो भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, मैं आगे आगे दौड़ूंगा और वो लेके आएंगे। क्या लग रही है यार, तो यस भाई अब पता है हमने बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड तो नहीं करा, बट जो भी करा बहुत मस्त था। अब नीचे को चलते हैं और मैं गाड़ी भी देख रहा हूँ। ये देखो यार, आओ आओ एक्चुअली बताया गाड़ी को हमने अभी धुलाया था, और इसके लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये वाला टेरेन जिमनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ही इजीली कर लिया था। अब कभी इन फ्यूचर अगर मतलब सबकी टाइमिंग मैच होगी तो फिर बढ़िया से व्लॉग बनाऊंगा यार, इसका ना अभी अच्छे से हो नहीं पाया। तो चलो फिर अभी यहाँ पर से ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ जो सबसे मुझे डेंजर लगा था। आओ आओ आओ, इधर 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 आओ 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 आओ। आओ आओ इधर मेरी तरफ को काटना। हाँ सीधे आ जाओ सीधे आ जाओ सीधे आ जाओ। वहाँ पे पत्थर था ना एक बड़ा। तो यस गाइस देखो हमारी छोटी सी ऑफ रोड कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आप फटाफट से चलते हैं। हो
भाई थक गया यार, बहुत ज्यादा थक जाते हैं ऑफ रोड करते समय। और ये कि लाला है हर समय फोन में बात करता है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर। भाई बहुत मजा आया यार जिमनी के साथ, पहली बार मैं बैठा एक्चुअली चला नहीं पाया। और आपने देखा होगा भाई वीडियो भी ना बहुत छोटी सी बनी थी क्योंकि यार टाइम की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, हम लोग को जल्दी घर आना पड़ा इस वजह से। और घर आते ही देखो मैंने मेरा काम तो कर लिया भाई, वीडियो को एडिट कर लिया, व्लॉग को शेड्यूल में डाल दिया, उसके बाद अब मैं बैठ रखा हूँ। और अभी ना एकदम से फिर एक और काम आ गया, तो चलते हैं अब उस काम को करने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहाँ जाने के लिए ना हम लोग बाइक में जाए, तो मैंने ना अभी से को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है कि भाई बाइक में घूमने के लिए आ रहा है करके। तो उसने कहा ठीक है क्यों नहीं चलेंगे। तो यस अब हम लोग जाने वाले हैं खालगड़ा, एक जगह है लोहागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो आपको मैं सीधे अब मोटो ब्लॉग सेटअप पे मिलता हूँ। और यार देखो कितनी सही धूप आ रही है इसलिए मैंने ना दरवाज़ा भी खोल रखा है और मेरा हीटर भी अभी बंद है। 220 में जान तो है यार अभी भी, जब से मैंने इस पे टायर चढ़ा रखे है ना भाई बहुत मस्त चल रही है यार। वो भयंकर थोड़ा जुगाने में डर लगी अभी, कुछ तो इसके टायरों में हो रखा है, हल्का बबलिंग कर रही थी। और ये हम इसी के साथ अभी से एक लोग के वहाँ पहुँच भी गए। और यार अभी ना अतिक्रमण के उससे देखो ये सब टूट फूट हो रखी है, आई डोंट नो इसमें कैसा आ रहा होगा, बट यस ये सारे जितने भी ये टूट फूट हो रखे हैं ना ये जल्दी से इनको सही करना है। इसको यहीं रख जाऊँ हो गई वो स्टार्ट है। सो गाइस देखो यार मैं दोबारा से आ चुका हूँ मोटो ब्लॉग सेटअप पे और मैं अभी चला रहा हूँ ड्यूक 390, वो भी बहुत टाइम बाद यार, 3-4 दिन हो गए हैं ठीक है तब से चलाई नहीं। लास्ट मैंने तभी चलाई थी जब हम लोग अभिषेक के घर गए थे, जिस दिन हम लोग ने मतलब चिकन वगैरह बनवाया था। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं सहवाज को बुला लेते हैं और साथ ही में जाते हैं यार, हमने खालगड़ा तक जाना है और साथ में राइड कर लेंगे। सहवाज आ चुका है, उसको हमने पहले फ़ोन कर दिया था और ये पता नहीं फिर से क्यों इंडिकेट करने लग गया कि हमारी हमको सर्विस करवानी पड़ेगी, पता नहीं क्या है KTM का भी। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और यार जल्दी से पहुँचना है खालगड़ा क्योंकि वहाँ पे ना एक बंदा वेट कर रहा है यार हमारा ना, उनसे ही काम है। अपाची ओ भाई नई वाली अपाची है क्या ये? तो गाइस यार देखो अभी बताया हमारे लोहागढ़ में ना पहली नई वाली अपाची आई है और अभी हम उसको देखने जाने वाले हैं, बट क्या हुआ कि हमको ना बिना जल्दी से पहुंचना है इसलिए हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं। और बता यार ये वाली रोड में ना बाइक चला के तो भाई पुराने दिन याद आते हैं यार, पहले हम लोग भाई इस वाली रोड में ना इतना तेज चलते थे, मतलब जो बाइक की लिमिट हुआ करती थी उससे ऊपर ही जाया करते थे। यहाँ पर को सबसे जो हाईएस्ट बाइक रहती थी भाई वो रहती थी 220 क्योंकि ना उस समय बाइक ही वो हुआ करती थी। तो यस ये कर्व्स बहुत प्यारे हैं यार यहाँ पर, तो इसलिए भाई यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता था। पर अब तो ऐसा है कि बहुत सारी बाइक्स हो गई हैं तो और इतना ग्रुप भी नहीं है किसी का, पर पहले ऐसे ग्रुप हुआ करते थे यार। आजकल ना वैसी रोड है ही नहीं भाई जहाँ पे को हम थोड़ा सा स्पीड कर सकें, मतलब बाइक को थोड़ा भगा सकें, रोड है ही नहीं वैसी। ये रोड देखो ये कितनी बेकार हो रखी है, पहले ये रोड इतनी अच्छी हुआ करती थी और आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस यार देखो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की रोड जो है ना इतनी बेकार है ये किमतोली जाते हुए। और अब जाके ये वाला पैच पता नहीं कैसे इन लोगों ने सही कर रखा है और ये भी पता कहाँ तक सही हो रखा है, सिर्फ किमतोली तक, वो जो सामने पे गाँव है ना वो किमतोली है, सिर्फ किमतोली तक ये वाला जो पैच है वो सही कर रखा है, उसके बाद पूरा वैसा ही है भाई खालगड़ा या उससे आगे को भी। ये जो नीचे वाली रोड जा रही है ना ये जा रही है आपकी पंचेश्वर को और यहाँ से पता नेपाल, जस्ट
20 किलोमीटर दूर है इधर से, और हमें जाना है इस वाली रोड में जो कि वाहियात रोड है। आगे तो भाई इतना ज़्यादा ना इसमें पाला गिरा रहता है, बहुत ही खतरनाक। आराम से आना, पाला गिरा है आगे। पूरी बम्पी सी रोड है, बहुत ही वाहियात रोड है भाई। और भाई इसी के साथ पहुंच गए हैं हम लोग, कहाँ पे पहुंच गए हैं, खालगड़ा। और यहीं पर कोई मुझे उनसे मिलना है, यहाँ पर एक काम करते हैं ना, फ़ोन कर लेते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पर को हैं। तो यार अब ये धूप देख रहे हो, जाती हुई धूप भाई, इतनी ठंड हो रखी है और ये जाती हुई धूप कितनी प्यारी लगती है ना, जो सनसेट होता है भाई अल्टीमेट। और अभी हम लोग आ गए हैं रील बनाने के लिए, क्योंकि यार आजकल ना रील 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 बहुत चल रही है। तो हमने क्या करा कि वीडियो भी बनाई, मैंने तो व्लॉग बनाया और साथ ही साथ रील भी बना रहे। और अब यहाँ से एक बार व्यू चेकआउट करो यार, देखो ना शाम हो गई है, लगभग 5 बजने वाले हैं और पहाड़ों में धूप जो है अब जाने वाली है। और यहाँ पर तो इनका रील सेशन चल रहा है और मैं यहाँ पर को ये देखो गोल्डन लाइट्स का मज़ा ले रहा हूँ भाई। और अभी जो हमारा काम था यार, वो अंकल इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा मैं करके आता हूँ, मतलब उनके पास गाड़ी थी, उन्होंने बस एक जगह जाना था और वहाँ से सामान लेके आना था, इतना सा काम था, नहीं तो अभी मुझे जाना होता और फिर हमारी वीडियो नहीं बन पाती। तो अंकल ने कहा मैं ले आता हूँ। तो यार देखो यार धूप जा ही रही है। कौन सी? ऐसे बैठे रहो ना, हाँ मैं ऐसे आऊंगा, अपना फोन खोलूंगा, उसमें टेम्परेचर देखूंगा। भैया यार इतना ठंडा हो रहा है, हम पे पैदल नहीं घुमा जा रहा है, आप लोग बाइक में कैसे घूम रहे हो यार? हमारा जो भी काम था वो हो गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई। 5 बज गया यार, और अभी प्लान ये है कि चंपावत वाली रोड पे जाते हैं। देखो थोड़ा सा ना मैं एसएससी भी कर देता हूँ कभी कभार, छपरी बना भी तो दिखाना हुआ, पर यार ये वाली रोड ना बहुत ही वाहियात है यार। यहाँ पे रुकते हैं आप थोड़ी सी देर, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर घर को चलेंगे यार। हाय गाइस, इट्स मी अभिषेक एंड आई हैव टेकन ओवर द व्लॉग नाउ। वी आर हियर टू ट्राई द लॉन्च कंट्रोल ऑन दिस बाइक। पिछले दिन अच्छे से हो नहीं पाया था, सो आज ट्राई करते हैं। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे, पहले वाले ट्राई में देखते हैं क्या होता है, बिकॉज द रोड टेम्परेचर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी नाइस। जस्ट पुट इट इन टू लॉन्च कंट्रोल में डालते हैं इसे। राइड मोड को आपने पहले ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका लॉन्च कंट्रोल एक्टिव होगा। ये ऑफ ऑन, और ये हमने इसे ऑन कर लिया है। अब इसे यहाँ पे भी शो करना चाहिए, 3 launches इट इज़ शोइंग। सो आपने दोनों पैर नीचे रख लेने हैं और गाड़ी के फ्रंट में आप जितना ज़्यादा वेट डाल सको उतना ज़्यादा वेट डाल दो, लाइक दिस। देन एक ट्राई में तो क्लच देखना पड़ेगा पहले। या इट वाज नाइस, आगे से लिफ्ट भी हुई थी गाड़ी थोड़ी सी, बट इट कंट्रोल्ड नाइस है। अब मैं कर सकता हूँ इसे आराम से, आई थॉट द क्लच वुड, अब कर सकते हैं, थोड़ा सा टायर भी गर्म हो जाएगा इसका। देखो ब्यूटी पहुंच चुकी है अपने घर पे, ठीक है, और हम लोग
आ गए अभिषेक के घर। और यार मैं अभी आप अपनी शक्ल दिखाऊंगा ना, इतना खतरनाक हो गया हूँ। देखो मैं आपको, ये देखो मैंने हुडी के अंदर, हुडी के ऊपर हेलमेट पहन रखा है भयंकर तरीके से। अब मुझे चलाना है ये 220। KTM चलाने के बाद ना 220 ऐसी लगती है कि स्प्लेंडर चला रहे हो आप।